बकवास मत छोड़ बुढ़िया, सुनी, ज्यादा ज्यादा बकवास मत छोड़। है मेरे मेरे घर में भी फौजी ने चार, तो नंबर नहीं रहता। मैं सही बता रहा हूँ, शकल बदल दूंगा और अकल बदल दूंगा तुम लोगों की, भूल जाना, मुझे मना दूंगा, नौकरी धोके हाथ हाथ धोके वहां से भी पकड़ लाऊंगा, परेशान ना रहे तो ले आएंगे, परेशान ना रहे तू, औकात दिखा दूंगा, औकात क्या होती है। जी हाँ मेरे फौजी भाइयों, जेसीओस अफसर, सुनो ये दरोगा जी क्या बोल रहा है। आपने सुना होगा ये बुढ़िया, ज्यादा बकवास मत तो, तमाम उसको गाली, सकल बदल दूंगा, अकल बदलूंगा। और ये हैं श्रीमान जी दरोगा लक्ष्मण यादव, कानपुर देहात के, जो किसी फौजी की माँ यानी वृद्ध माँ को इस तरह बोल रहे हैं। आप पूरा वीडियो सुनोगे तो आप रो पड़ोगे, और जो बेटा इसका सुनेगा उसके आंखों में जरूर खून आएगा। फिर आखिर क्या करेगा, आखिर ये दरोगा है, आखिर ये कौन सी वर्दी की शान पहन के उड़ रहा है, क्या इस वर्दी के ऊपर जो सितारे हैं क्या वो रहने लायक है। लगता है नोच लेना चाहिए, इसकी वर्दी शरीर से उतार देना चाहिए, और इसकी जुबान शायद बोलने लायक नहीं छोड़ना चाहिए था, और इसकी जगह है सलाखों के पीछे। सुनिए योगी जी, ये आपका दरोगा है, कानपुर देहात, नाम भी बता दिया लक्ष्मण यादव है, एक फौजी के घर जाकर के, फौजी बॉर्डर के ऊपर है, और बात किस तरह कर रहा है, एक फौजी की बेबस माँ से सरेआम गालियां दे रहा है। बोला मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा, शकल बदलूंगा, अकल बदल दूंगा, ये बुढ़िया तमाम तरीके की मुलजिम बना दूंगा, यूनिट से उठा के ले आऊंगा, क्योंकि यूनिट तेरे बाप की है, वहां पर तेरे जैसे तेरे बाप बहुत बैठे हुए हैं, इसको सबक सिखाई। मतलब ये हैं सामाजिक कीड़े, असली कीड़े हैं शायद ये लोग। ये शायद मेरे लिए शब्द आप सुन सकते हो कि इसने कितना कहा है, कितना गुस्सा आएगा। इसका पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगी। और ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको इतना फेमस करो, इस दरोगा जी को इतना फेमस करो, हम तो अपने तरीके से योगी जी तक पक्का पहुँचाएंगे। आप भी पब्लिकली करो, अपने अफसरों को भेजो को किस तरह हम जब अपने माँ बाप बूढ़े को छोड़ के आते हैं, पुलिस किस तरह बात करती है हमारे माँ बाप से, आप हमें छुट्टी नहीं देते हो, हमारा किस तरह शोषण होता है। और देखो औरतों की सिर्फ आवाज आ रही है, डरी सहमी है, और लेकिन ये कितनी बकवास किए जा रहा है, आप सुनकर के हैरान हो रहे होगे, दुख भी हो रहा होगा। लेकिन इस वीडियो को पक्का जरूर देखना, पूरा देखना, भले आप कमेंट्स करो या ना करो, लाइक करो ना लिखो, लेकिन शेयर करना, ताकि ये बंदे को फेमस करना है, ताकि हमारे इसको एक बार लगे, कहीं ना कहीं झटका लगना चाहिए। और ये मुझे कर्नल साहब ने भेजा है कि साहब अपने प्लेटफॉर्म से इसको डालिए, जरा इसको फेमस करिए। धन्यवाद दोस्तों। ज्यादा बकवास मत छोड़ बुढ़िया, ज्यादा ज्यादा बकवास मत छोड़। है मेरे मेरे घर में भी फौजी ने चार, तो नंबर नहीं रहता। मैं सही बता रहा हूँ, शकल बदल दूंगा और अकल बदल दूंगा तुम लोगों की, भूल जाना, मुझे मना दूंगा, नौकरी धोके हाथ हाथ धोके वहां से भी पकड़ लाऊंगा, परेशान ना रहे तो ले आएंगे, परेशान ना रहे तू, औकात दिखा दूंगा, औकात क्या होती है। नौकरी में छुट्टी नहीं मिलती क्या? तो फिर बात करने की तो बात कर रहा हूँ, बात करा दीजिए मेरी। सुबह शाम भी बात नहीं होती, न रात में होती, 24 घंटे एक्सरसाइज रहती है। अरे हम अनपढ़ नहीं है, गांव के आदमी नहीं है, हम ही नौकरी कर रहे हैं, हम सब जानते हैं क्या क्या एक्सरसाइज कब एक्सरसाइज का टाइम क्या होता है। ठीक है, जेल भेजने लाके ये राकेश ने बहुत बड़ी गलती की, इसे मुझे मना देना चाहिए। अब तक आला मजीद रहा लेते हैं उसका, ऐसे मुझे मना के लेते बाहर लाने शाम के बाद उसको उनको मौका बुला देंगे साले की। हम साला ये जो बात इस तरीके से बात करेंगे हमसे, ये है ना, तो साला औकात पानी पिला देंगे साले की जूते में।